हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू द 19th लेक्चर ऑफ सॉल्यूशन एंड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। माय नेम इज राम परमार और आज के लेक्चर में हम लोग बहुत सारे एमसीक्यू क्वेश्चन सॉल्व करेंगे एबनॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी के ऊपर। प्रीवियस लेक्चर दैट इज लेक्चर नंबर 18 में एबनॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज क्या होता है वो मैंने आपको पूरा थ्योरी डिटेल में समझाया था। वेंट ऑफ फैक्टर, आय, डिसोसिएशन, एसोसिएशन, ये सब चीजें हमने बहुत ज्यादा डिटेल में डिस्कस की थी। लेक्चर नंबर 18 के एंड में आपको टोटल 3 पीडीएफ दिए थे। यस, लिसन टू मी केयरफुली। 3 पीडीएफ थे, उसमें से 2 क्लास वर्क के पीडीएफ थे, पार्ट 1 एंड पार्ट 2, और एक होमवर्क पीडीएफ है जो आपको खुद से सॉल्व करना है। क्लास वर्क वाले जो 2 पीडीएफ है, पार्ट 1 एंड पार्ट 2, उसमें से फर्स्ट पार्ट आज के लेक्चर में डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट जो पार्ट 2 है वो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो स्टूडेंट्स, बिफोर स्टार्टिंग दिस लेक्चर, आप लोगों को ये फॉर्मूलाज एकदम अच्छे से याद करने हैं, बिकॉज आज का पूरा लेक्चर इन्हीं के ऊपर बेस्ड है। आप लोगों को ये वाला जो पार्ट है मैं एक बार अच्छे से समझा देता हूँ वापस से, अगर किसी को भी डाउट रहेगा तो उसका वो डाउट क्लियर हो जाएगा। प्रीवियस लेक्चर में हम लोग ने इसके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व किए थे, हम लोग ने डायरेक्ट इसको यूज किया था, बट मैं अगर आपको एक बार समझा दूं ताकि किसी को डाउट ना रहे। अगर आई इंटू सी करें, जनरली हमने देखा था लास्ट लेक्चर में कि बहुत सारे सोल्यूशन में सोल्यूट जो होता है वो डिसोसिएट या एसोसिएट होता है, तो उसमें आई का भी बहुत बड़ा रोल होता है। तो सिंपली हम लोग कॉन्सेंट्रेशन नहीं ले सकते कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी के लिए, हम लोग को आई इंटू सी करना पड़ता है। इसको हम लोग बोलते हैं इफेक्टिव मोलारिटी, राइट। सो इफेक्टिव मोलारिटी अगर बढ़ेगा, मतलब इफेक्टिव नंबर ऑफ पार्टिकल्स बढ़ रहे, तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स बढ़ेगा तो रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर विच इज अ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी वो भी बढ़ेगा, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ेगा, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट भी बढ़ेगा, ऑस्मोटिक प्रेशर भी बढ़ेगा। ठीक है सर, ये तो चारों समझ में आता है कि नंबर ऑफ पार्टिकल्स बढ़ेगा तो ये सब कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी तो सब बढ़ेगा, बट व्हाट अबाउट दैट टीबी, ये क्यों बढ़ रहा है? सो स्टूडेंट, डेल्टा टीबी का फॉर्मूला क्या होता है? बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्यूशन माइनस बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द प्योर सॉल्वेंट। डेल्टा टीबी का वैल्यू कब बढ़ सकता है बेटा? अगर ये फिक्स्ड है, तो डेल्टा टीबी का वैल्यू कब बढ़ सकते हैं? तो बेटा वो तो टीबी का वैल्यू बढ़ेगा तभी होगा, तो इसका मतलब दे आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर। तो डेल्टा टीबी अगर बढ़ रहा है तो टीबी भी बढ़ेगा, एकदम सिंपल। बट ये दो चीजें जो होती है बेटा, ये इसके ऑपोज होती है। मतलब अगर आई और सी का प्रोडक्ट का वैल्यू बढ़ेगा तो टीएफ का वैल्यू कम होगा, वेपर प्रेशर भी कम होगा। सर ऐसा क्यों? एकदम सिंपल है, डेल्टा टीएफ का फॉर्मूला होता है टी नॉट माइनस टीएफ। तो एक सिंपल सी बात है, टी नॉट माइनस टीएफ होता है, अगर टीएफ कम होगा, तो डेल्टा टीएफ बढ़ेगा ना बच्चों। तो इससे क्या सीखने को मिला, डेल्टा टीएफ का वैल्यू, ये तो बेटा फिक्स्ड है, डेल्टा टीएफ का वैल्यू कब बढ़ता है? जब टीएफ का वैल्यू कम होता है, या फिर डेल्टा टीएफ का वैल्यू कब कम होगा? जब टीएफ का वैल्यू बढ़ेगा। दैट मींस दे आर ऑपोजिट टू ईच अदर, वेयर एज दीज आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर। वैसे सेम अगर रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर की जगह पर लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर पढ़ते, चलो डेल्टा पी इज इक्वल टू पी नॉट माइनस पी, पी का मतलब वेपर प्रेशर होता है। तो मुझे ये बताओ, डेल्टा पी का वैल्यू जब बढ़ेगा, ये तो फिक्स्ड है, तो इसका वैल्यू कम हो जाएगा बच्चों, एकदम सिंपल। तो इसका मतलब वेपर प्रेशर जितना कम होगा उतना ही ज्यादा डेल्टा पी होगा, दैट इज रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, अगर इसको पी नॉट से डिवाइड कर देते तो। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये सब सेम ऑर्डर फॉलो करते हैं और ये दोनों का ऑर्डर बेटा ऑपोजिट होता है। सो इसमें आपको एक चीज याद रखनी है कि जब हमको इसके ऊपर क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आपको बार बार यही कंसेप्ट यूज करना है, ताकि आपका एक भी क्वेश्चन रॉन्ग नहीं होगा। अभी आप लोगों को मैं 50% पार्ट तो यहाँ पे क्लियर करवा चुका हूँ, बट जब हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आपको और कॉन्फिडेंस आएगा जब ये पीडीएफ हम लोग डिस्कस करेंगे। कैसे इसको बार बार यूज करना है, इतनी बार यूज कर लेंगे कि बेटा आपको एकदम ब्रेन में फिट हो जाएगा कि इसके ऊपर कभी भी क्वेश्चन आएगा तो रॉन्ग नहीं जाएगा। ठीक है, तो आप लोग एक बार ये फॉर्मूला अच्छे से देख लो, रिवाइज कर लो, फिर हम लोग स्टार्ट करते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर वन, बच्चों, विच ऑफ द फॉलोइंग सॉल्यूशन इन वाटर पजेस लोएस्ट वेपर प्रेशर। ना लोएस्ट वेपर प्रेशर, मिनिमम कब होगा बच्चों? वेपर प्रेशर मिनिमम होने के लिए आई इंटू सी का प्रोडक्ट मैक्सिमम होना चाहिए। तो इसका मतलब क्या हुआ, आई इंटू सी का प्रोडक्ट जो होगा वो मैक्सिमम होना चाहिए। अगर आई इंटू सी का प्रोडक्ट मैक्सिमम है तो वेपर प्रेशर मिनिमम हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स, हम लोगों को कैलकुलेट करना पड़ेगा एक एक के लिए। 0.1 मोलार NaCl, 0.1 मोलार NaCl, अगर मैं 0.1 मोलार NaCl की बात करूं तो NaCl के लिए बेटा आय का वैल्यू कितना होता है? 2 होता है। कुछ नहीं बोला है तो मैं 100% डिसोसिएशन मान के चलूंगा, अगर एसिटिक एसिड होता तो 1 और 2 के बीच में आता, बट ये तो NaCl सबको पता है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है। So, इसका आई का वैल्यू एन डैश को इक्वल हो जाएगा 2, और कॉन्सेंट्रेशन दिया है बच्चों 0.1, तो मल्टीप्लाई करके कितना आएगा,
0.2 मोलारिटी, ये इसका इफेक्टिव मोलारिटी है, इफेक्टिव मोलारिटी बराबर है। अगर मैं बी ऑप्शन की बात करूं तो 0.1 मोलार है बच्चों, 0.1 मोलार है, ठीक है, नॉर्मल नहीं मोलार। अगर हम बात करें तो इसका एन डैश कितना हो जाएगा बेटा, 3 हो जाएगा, और एन डैश ही आई मानेंगे क्यों, क्योंकि अल्फा का वैल्यू दिया नहीं है, तो इनटू 0.1 बेटा, तो 0.1 कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। उसके बाद में ऑप्शन सी की बात करें, 0.1 मोलार केसीएल, तो 0.1 मोलार केसीएल में बेटा कितना आएगा, इसका भी 2 हो जाएगा आई का वैल्यू इनटू 0.1, तो 0.2 मोलार आएगा। तो सबसे ज्यादा आई इनटू सी किसका है, जिसका आई इंटू सी मैक्सिमम उसका वेपर प्रेशर मिनिमम, और उन्होंने वही पूछा है लोएस्ट वेपर प्रेशर। सो लोएस्ट वेपर प्रेशर किसका आ जाएगा बेटा, 0.1 मोलार BaCl2, ठीक है ना, ओ BaCl2 0.1 मोलार है, वहां पे स्मॉल n लिखा होगा शायद से, तो n नहीं बेटा, कैपिटल n ही है, ठीक है। नेक्स्ट ये हो गया ऑप्शन कौन सा बच्चों, इसका ऑप्शन बी आ जाएगा, बी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, द वेपर प्रेशर विल बी लोएस्ट फॉर, वापस से लोएस्ट वेपर प्रेशर पूछा है। सो लोएस्ट वेपर प्रेशर का एक ही कांसेप्ट है, आई इनटू सी का प्रोडक्ट मैक्सिमम। अगर मैं बात करूं फर्स्ट ऑप्शन की, 0.1 मोलार शुगर, शुगर मतलब सुक्रोज होता है बेटा, वो तो डिसोशिएट होता ही नहीं है, तो आई का वैल्यू 1 हो जाएगा, तो 0.1 × 1 दैट इज 0.1 मोलार, ये इफेक्टिव मोलारिटी हो गया। 0.1 मोलार KCl, अभी ऊपर जस्ट सॉल्व किया, 0.1 मोलार KCl का आंसर आ जाएगा 0.2 मोलार इफेक्टिव। उसके बाद में सी ऑप्शन दिया है 0.1 मोलार CuNO3 ट्वाइस, ठीक है ना, कॉपर नाइट्रेट है बेटा, तो इसमें टोटल 3 आयंस होंगे, नाइट्रेट के 2 आयंस और एक कॉपर का आयन, तो यहां पे बेटा 2 × 0.1 था, यहां पे बेटा कितना आएगा इसका एन डैश हो जाएगा 3, एन डैश ही आई का वैल्यू हो जाएगा, बिकॉज कुछ बोला नहीं तो अल्फा हम लोग 100% मान के चलेंगे, तो ये हो जाएगा आपका 0.3 मोलार, क्लियर। उसके बाद में लास्ट ऑप्शन दिया है ऑप्शन डी, 0.1 मोलार AgNO3, सो 0.1 मोलार AgNO3, तो बेटा 0.1 मोलार AgNO3, Ag प्लस और NO3 एक बनेगा, NO3 तीन मत मानना इसका, NO3 नाइट्रेट होता है, तो इसके 2 ही आयंस बनेंगे, 2 × 0.1, इसका 0.2 ही आएगा। तो सबसे ज्यादा वैल्यू आई इंटू सी का किसका है, इसका है, जिसका I into C का वैल्यू ज्यादा उसका वेपर प्रेशर मिनिमम। तो बच्चों आंसर क्या आ जाएगा इसका, ऑप्शन सी आ जाएगा इसका। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग सॉल्यूशन हैज हाईएस्ट ऑस्मोटिक प्रेशर, हाईएस्ट ऑस्मोटिक प्रेशर मतलब पाई का वैल्यू मैक्सिमम, पाई का वैल्यू मैक्सिमम कब होगा, जब I into C का वैल्यू मैक्सिमम होगा। वहां पे देखो हमने झुंड में पढ़ा था, तो शायद से आपको थोड़ा बहुत डाउट आ चुका होगा, मुझे मालूम था, और वहां पे ज्यादा मैंने एफर्ट्स भी नहीं लिया, क्योंकि मुझे मालूम है जब हम लोग इसको क्वेश्चन के फॉर्म में सॉल्व करेंगे तो आपका कंसेप्ट क्लियर होने ही होना है। पाई का वैल्यू मैक्सिमम अगर पूछा है, इसका मतलब आई इंटू सी मैक्सिमम होना चाहिए। सो पाई का वैल्यू मैक्सिमम मतलब आई इंटू सी का वैल्यू मैक्सिमम होना चाहिए। तो अगर हम बात करें फर्स्ट ऑप्शन की, 1 मोलार NaCl, सो इसका आई का वैल्यू 2 × 1, सो इसका हो जाएगा 2 मोलार इफेक्टिव मोलारिटी। 1 मोलार यूरिया तो बेटा डिसोशिएट होता नहीं है, तो आई का वैल्यू 1 × 1, इसका इफेक्टिव मोलारिटी 1 हो जाएगा। 1 मोलार सुक्रोज, वो भी सेम डिसोशिएट होने वाला नहीं है, नॉन इलेक्ट्रोलाइट है, सो 1 × 1 आंसर 1 ही रहेगा। 1 मोलार ग्लूकोज, वो भी डिसोशिएट होने वाला नहीं है, सो ये हो जाएगा 1 × 1 दैट इज 1 मोलार, ठीक है। सो इसका मुझे तो बेटा मैक्सिमम किसका आ रहा है, इसका आ रहा है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सो आंसर इज ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, इन इक्विमोलर सॉल्यूशन ऑफ, इक्विमोलर मतलब कॉन्सेंट्रेशन सेम है, समझो बेटा सबका 1 मोलार मान लेते हैं, अज्यूम सबका 1 मोलार मान ले, इक्विमोलर बोला मतलब सबका कॉन्सेंट्रेशन सेम। ग्लूकोज NaCl BaCl2, द ऑर्डर ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर इज, ऑस्मोटिक प्रेशर मतलब पाई मैक्सिमम कब होगा, जब आई इंटू सी मैक्सिमम होगा, तो जिसका आई इंटू सी मैक्सिमम उसका पाई भी मैक्सिमम। तो अभी मुझे एक बात बताओ, हमारे पास में कौन कौन से सब्सटेंसेस है, एक तो ग्लूकोज है, ग्लूकोज के बाद हमारे पास में BaCl2 है, और उसके बाद में सॉरी ग्लूकोज के बाद हमारे पास में NaCl है, और उसके बाद हमारे सामने BaCl2 है ना, तो इसका जो I into C है वो कितना हो जाएगा, I का वैल्यू 1, C का वैल्यू 1, सो इसका हो जाएगा 1 बेटा। इसका I into C करेंगे तो I का वैल्यू 2 into C का वैल्यू 1, सो आंसर हो जाएगा 2।
इसका अगर आई इंटू सी करेंगे बेटा तो आई का वैल्यू 3 इंटू सी का वैल्यू 1, तो इसका हो जाएगा 3। तो 3 मोलार, 2 मोलार, 1 मोलार। जिसका आई इंटू सी मैक्सिमम उसका ऑस्मोटिक प्रेशर भी मैक्सिमम हो जाएगा। तो किसका ऑस्मोटिक प्रेशर सबसे ज्यादा होगा? ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ BaCl2 इज ग्रेटर देन ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ NaCl इज ग्रेटर देन ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ ग्लूकोज। तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों BaCl2 ग्रेटर देन NaCl ग्रेटर देन ग्लूकोज। सो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 4। तो ऑप्शन हो जाएगा इसका ऑप्शन सी। एकदम सिंपल क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 5, एट 25 डिग्री सेल्सियस highest osmotic pressure is exhibited by, highest osmotic pressure मतलब pi maximum कब होगा? जब I into C maximum। बार बार बेटा वही चीज यूज करो बेटा, इतनी बार इसको यूज करना है अपने को, इतनी बार ये कंसेप्ट को समझना है कि आपके सामने कभी क्वेश्चन आएगा तो आप इतना ही सिंपल दिमाग में यही लाओगे, बट I into C चेक करना है बस। I into C बेटा सिर्फ दो जगह पे उल्टा होता है बस, बाकी सब जगह पे तो अपना ट्रिक फॉलो हो रहा है। खाली इसमें क्या करना है, ये बढ़ेगा तो ये वैल्यूज कम हो जाएगी, ठीक है? तो आप अगर क्वेश्चन नंबर 5 देखोगे तो बेटा सबका कॉन्सेंट्रेशन 0.1 मोलर दिया है। तो इट इज CaCl2 0.1 मोलर CaCl2। तो कहना है बेटा सब में एकदम सिंपल है, डोंट वेस्ट योर टाइम। सब में बेटा क्या है, C का वैल्यू कांस्टेंट है। तो C का वैल्यू अगर फिक्स्ड हो गया है, देखो सब 0.1 मोलर है, तो ये डिपेंड किसके ऊपर करेगा? सिर्फ I के ऊपर। तो अगर मैं CaCl2 की बात करूं, कुछ बोला नहीं कि कितना परसेंट डिसोशिएट हो रहा है, तो CaCl2 का आई वैल्यू कितना हो जाएगा बच्चों? आई वैल्यू 3 है, KCl का आई वैल्यू 2 है, ग्लूकोज एंड यूरिया दोनों का बेटा आई वैल्यू 1:1 है ना? तो मुझे मैक्सिमम आई किसका है बेटा? आई मैक्सिमम इसका है, तो आई मैक्सिमम अगर इसका है तो आई इंटू सी भी मैक्सिमम होगा, क्योंकि सी तो सबका फिक्स्ड है। तो आप मुझे बताओ बेटा इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। हो गया, कितना इजी है, ठीक है ना? पता नहीं किस तरीके से स्टूडेंट सीखते हैं, किस तरीके से उनको सिखाया जाता है। बच्चे हमेशा डाउट्स लेके आते हैं, सर वो वाला लास्ट वाला पार्ट कुछ समझा ही नहीं। बेटा इस तरीके से पढ़ोगे तो आपको डाउट्स आएंगे नहीं। और सेकंड थिंग, सबसे बड़ा ड्रॉबैक मैंने देखा है, क्वेश्चन ही सॉल्व नहीं कराए जाते हैं, एमसीक्यू क्वेश्चन सॉल्व ही नहीं कराए जाएंगे बेटा। सिर्फ थ्योरी समझा दिया जाएगा और स्टूडेंट्स को छोड़ दिया जाता है कि क्वेश्चन सॉल्व कर लेना, डाउट रहेगा तो पूछो, तो वो वाला मजा नहीं आएगा बेटा। एक बार आप खुद से सॉल्व करवा दो स्टूडेंट्स को, फिर बाद में आप लोगों को सॉल्व करने के लिए बोला जाएगा तो आप खुद भी कर सकते हो। Which of the following, question number 6 देखो, which of the following has the lowest vapor pressure? अभी ये देखो, अभी सब उल्टा आपको मजा आएगा सॉल्व करने का। लोएस्ट वेपर प्रेशर मतलब I into C का वैल्यू मैक्सिमम, ठीक है ना? वेपर प्रेशर अपने को मिनिमम करना है, तो I into C का वैल्यू मैक्सिमम होना चाहिए। तो ऐसा ऑप्शन ढूंढो जिसमें I into C का वैल्यू मैक्सिमम होगा। 0.1 मोलार KCl, स्टार्टिंग में भले टाइम में लग सकता है, 0.1 मोलार यूरिया, एक बार प्रैक्टिस हो जाएगा तो फिर आपको बहुत इजी लगेगा। 0.1 मोलार Na2SO4 एंड 0.1 मोलार K4 FeCl6। चलिए आप लोग इसको सॉल्व करिए अच्छे से, वीडियो पॉज करके। K4 FeCl6, I into C का वैल्यू निकालते हैं, I का वैल्यू इसके लिए 2 हो जाएगा, इसका I का वैल्यू 2, इसका I का वैल्यू 1, इसका आई का वैल्यू N- ही आई का वैल्यू होता है इसके केस में, अगर 100% डिसोशिएट होता है। ये 2 और ये एक ही बनेगा SO4, सो टोटल 3, यहाँ पे 4 तो K+ बनेगा और ये बॉक्स टूटता नहीं है, तो टोटल कितना हो जाएगा 5। अब ये देखो ये सब सेम है, तो 0.1 0.1 0.1 चेक करने की जरूरत नहीं है, जिसका आई का वैल्यू मैक्सिमम हो जाएगा क्योंकि कॉन्सेंट्रेशन सब में सेम है। तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर कौन सा, डी, ऑप्शन डी। तो ऑप्शन डी का ऑस्मोटिक प्रेशर, वेपर प्रेशर क्या हो जाएगा, मिनिमम हो जाएगा, ऑप्शन डी। ओके, क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग, क्वेश्चन नंबर 7 में व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग एक्वस सॉल्यूशन विल एग्जिबिट हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट। सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट मैक्सिमम पूछा है, मतलब टीबी आपको मैक्सिमम पूछा है। टीबी मैक्सिमम कब हो सकता है? टीबी मैक्सिमम मतलब आई इंटू सी मैक्सिमम, खत्म। तो जिस सॉल्यूशन का आई इंटू सी ज्यादा होगा उसका बेटा टीबी भी ज्यादा होगा, खत्म। तो स्टूडेंट्स देखते हैं एक एक करके, फर्स्ट ऑप्शन है 0.015 मोलार यूरिया, तो बच्चों आई का वैल्यू 1, 0.015। दूसरा दिया है 0.01 मोलार KNO3, KNO3 बेटा ब्रेक्स अप इनटू K+ एंड NO3 माइनस, मतलब दो आयंस बनेंगे, तो इसका आई का वैल्यू 2 हो जाएगा। बच्चों मैं वापस बोल रहा हूँ, अगर डिग्री ऑफ डिसोसिएशन नहीं दिया तो 100% मान के चलेंगे,
तभी एन डैश और आई इक्वल होता है, नहीं अगर अगर परसेंटेज दिया, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन दिया है तो बेटा आई और एन डैश को सेम मत लेना, फिर वो सॉल्व करना पड़ेगा। अल्फा इज इक्वल टू आई माइनस वन अपॉन एन डैश माइनस वन, नहीं रामचंद्र ने बोला आई एन डैश और आई इक्वल होता है, नहीं वो कब होता है जब अल्फा का वैल्यू वन होगा। ठीक है, अगर अल्फा का वैल्यू दिया है क्वेश्चन में तो फिर सॉल्व करना पड़ेगा। बताओ इधर कितना, 0.01, इसका आंसर आ जाएगा 0.02, इसका 0.015। थर्ड ऑप्शन दिया है 0.01 मोलार Na2SO4, Na2SO4 में बेटा टोटल तीन आयंस होंगे, सो 3 × 0.01 तो ये 0.03 हो जाएगा। लास्ट वाला तो बेटा ग्लूकोज है, वो तो डिसोसिएट होता भी नहीं है ग्लूकोज। ठीक है, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, 1 × 0.015, सो इट इज इक्वल टू 0.015। सो सबसे मैक्सिमम आई इंटू सी किसका है, इसका है, तो इसका बॉइलिंग पॉइंट भी मैक्सिमम होगा। सो देयरफॉर ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 8, 0.01 मोलार सॉल्यूशन ऑफ ग्लूकोज फिनॉल एंड पोटेशियम क्लोराइड। सो 0.01 मोलार सॉल्यूशन कौन कौन का है, ग्लूकोज है, फिनॉल है, उसके बाद में नेक्स्ट कौन सा बच्चों, पोटेशियम क्लोराइड है, मतलब KCl है ना। वर प्रिपेयर इन द सोल्यूशन, द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ, द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ, मुझे एक बात बताओ, सबका आई इंटू सी चेक करेंगे सब, और बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द सोल्यूशन बोला मतलब आई इंटू सी जिसका मैक्सिमम उसका बॉइलिंग पॉइंट भी मैक्सिमम। सो बताइए आई इंटू सी, आई इंटू सी की बात करेंगे तो आई का वैल्यू इसका कितना, 1 × 0.01, 0.01 विच इज इक्वल टू 0.01 मोलार ही होगा। केसीएल की बात करें तो आई इंटू सी, आई का वैल्यू कितना बेटा, 2 × 0.01 which is equals to 0.02 molar। phenol के केस में बेटा एक बार याद रखना, phenol के केस में याद रखना कि वो I का जो वैल्यू होगा, बराबर है, I का वैल्यू जो होगा बेटा इट इज ग्रेटर देन 1 बट इट इज लेस देन 2। क्यों, क्योंकि वो भी बेटा किसके जैसा है, कार्बोक्सिलिक एसिड जैसा ही है, वो भी पूरा डिसोशिएट नहीं होगा। मैंने आपको बोला था ना कार्बोक्सिलिक एसिड एंड फिनॉल, ये दोनों बेटा क्या बनाते हैं, डाइमर, और वाटर में डालेंगे तो डिसोशिएट होते हैं, बट वो पूरी की पूरी तरीके से डिसोशिएट नहीं होते, फिनॉल एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। सो इसका आई इंटू सी की बात करेंगे बेटा, सो क्या होगा, आई इंटू सी जो होगा, आई इंटू सी इट इज ग्रेटर देन 0.01 बट इट इज लेस देन 0.02 आएगा, बट वी डोंट नो ना एग्जैक्टली, नहीं दिया है। तो बेटा आप भी बोलोगे सर आपने तो बोला था नहीं दिया, तो 100% मान के चलना है बेटा, मैं आपको बोलूंगा, रिक्वेस्ट करूंगा वापस से, कार्बोक्सिलिक एसिड एंड फिनॉल इन दोनों का बेटा याद रखना कि वो लोग 100% डिसोशिएट नहीं होते, ठीक है ना, ये 100% डिसोशिएट नहीं होते। ठीक है, तो आप मुझे बता बेटा इसका बॉइलिंग पॉइंट ऑर्डर क्या होना चाहिए, बॉइलिंग पॉइंट ऑर्डर हो जाएगा बच्चों KCl ग्रेटर देन फिनॉल का, और फिर सबसे कम हो जाएगा किसका, ग्लूकोज का। ठीक है, तो दिस इज क्वेश्चन नंबर 8 हो जाएगा। नेक्स्ट 9th की बात करें, 9th की तो 0.1 मोलार सॉल्यूशन, द कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज विल फॉलो द ऑर्डर। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज मतलब ये, तो सबका बेटा आई इंटू सी चेक करेंगे, सबका बेटा देखोगे तो सी सेम ही है, तो सिर्फ आपको क्या चेक करना है, आई। तो अगर हम बात करें 9th वाले में तो NaCl दिया है, NaCl दिया है, NaCl का आई कितना है बच्चों, 2 है, NaCl का आई 2 है, Na2SO4 का आई कितना है, Na2SO4 का आई का वैल्यू है 3, और Na3PO4, Na3PO4 का आई कितना है बच्चों, 3 और 1 4 है ना। तो मुझे एक बात बताओ, सबसे ज्यादा आई इसका है, तो आई इंटू सी, सी सबका सेम है बच्चों, हमेशा मल्टीप्लाई करके चेक करना है, बट सी सेम है तो बेटा हम लोग सिर्फ आई की मदद से निकाल सकते हैं। तो मुझे एक बात बताओ, सॉरी क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी का ऑर्डर क्या होगा, Na3PO4 से सबसे ज्यादा, फिर कौन हो जाएगा, Na2SO4, एंड देन वी विल गो फॉर NaCl, सो दिस विल बी द ऑर्डर इफ कॉन्सेंट्रेशन इज सेम। तो आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन ऑप्शन बी, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, सो दिस इज द एंड ऑफ क्वेश्चन नंबर 9। आप इसका फोटो ले लो, फिर हम आगे कंटिन्यू करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, सो लेट्स कंटिन्यू विद द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10। ठीक है ना, क्वेश्चन में बोला है विच हैज द मैक्सिमम फ्रीजिंग पॉइंट, मतलब TF बेटा आपको मैक्सिमम चाहिए, TF अगर मैक्सिमम होगा, TF अगर मैक्सिमम करना है तो I इंटू सी का वैल्यू मिनिमम करना पड़ेगा, एकदम सिंपल। अगर आप इस तरीके से सॉल्व करते जाओगे आपको एक भी क्वेश्चन में डाउट नहीं आएगा, हर एक क्वेश्चन आपको बहुत इजी लगेगा बेटा।
तो अभी अगर हम बात करें फर्स्ट वाला, ए 0.1 मोलार एक्वस सॉल्यूशन ऑफ NaCl, ठीक है ना बेटा, उसको NaCl करना, 0.1 मोलार एक्वस सॉल्यूशन ऑफ NaCl। तो अगर मैं I इंटू सी निकालो बेटा, I इंटू सी, I का वैल्यू 2, 2 इंटू सी का वैल्यू कितना बच्चों 0.1, ठीक है ना, 0.1, 0.1 तो बेटा ये कितना हो जाएगा 0.2 हो जाएगा। नेक्स्ट उसके बाद में 1 मोलाल KCl, 1 मोलाल अगर हम बात करें KCl की, एक सेकेंड गड़बड़ कर दी हमने, उन्होंने बोला विच हैज द मिनिमम फ्रीजिंग पॉइंट, मतलब डेल्टा TF बेटा, सॉरी TF क्या होना चाहिए, मिनिमम। तो TF अगर आपने को मिनिमम चाहिए तो I इंटू सी क्या होना चाहिए बेटा, मैक्सिमम होना चाहिए, ठीक है ना, मैंने उल्टा रीड कर दिया, मिनिमम फ्रीजिंग पॉइंट बोला ना, तो TF का वैल्यू मिनिमम है, तो TF का वैल्यू मिनिमम करना है तो बेटा I इंटू सी का वैल्यू मैक्सिमम होना चाहिए, ठीक है। तो अगर मैं बात करूँ 1 मोलाल KCl, तो बच्चों ये कितना हो जाएगा 2 × 1, दैट इज 2 ओनली। उसके बाद में सी ऑप्शन दिया है 1 मोलाल CaCl2, कुछ नहीं बोला है तो बेटा हम लोग I का वैल्यू डायरेक्ट लेंगे 3 × 1, विच इज इक्वल टू 3। 1 मोलाल यूरिया, सो 1 मोलाल यूरिया है बेटा, तो यूरिया तो बेटा I का वैल्यू 1 होता है, 1 × 1 इज 1, तो इसका आंसर मैक्सिमम कौन सा बेटा, यही है, इफेक्टिव मोलालिटी कौन सा बेटा इसका 3 है। सो इसका I इंटू सी मैक्सिमम है, I इंटू सी मैक्सिमम, तो TF मिनिमम, सो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 11, द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ इक्विमोलर सॉल्यूशन ऑफ, वेरी नाइस क्वेश्चन। तो कहना चाहिए बेटा इक्विमोलर है तो बेटा हम लोग अज्यूम कर लेते हैं 1 मोलर, अज्यूम कर लिया, ठीक है, अज्यूम कर लिया 1 मोलर। ग्लूकोज दिया है, क्या दिया है, ग्लूकोज दिया है, उसके बाद में KNO3 दिया हुआ है, और नेक्स्ट बेटा आपने को दिया हुआ है AlCl3। तो अभी हम लोग डायरेक्टली I इंटू सी निकालेंगे बेटा। अगर मैं बात करूँ I इंटू सी की, तो I इंटू सी का वैल्यू हो जाएगा, I का वैल्यू ग्लूकोज के लिए 1 होता है और C का वैल्यू भी 1 है, सो ये हो जाएगा 1 मोलर, है ना। KNO3 के लिए बेटा 2 × 1 हो जाएगा, सो इसका हो जाएगा 2 मोलर। इसके लिए बेटा 3 × 1 हो जाएगा, सो इसका हो जाएगा 3 मोलर, करेक्ट। अभी उन्होंने पूछा क्या वो देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 में, द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ इक्विमोलर सॉल्यूशन, फ्रीजिंग पॉइंट मतलब टीएफ, ठीक है ना। तो टीएफ बेटा जिसका आई इंटू सी सबसे ज्यादा होगा उसका टीएफ सबसे कम होगा। सो देखो टीएफ अगर कम है, अगर सॉरी आई इंटू सी ज्यादा है, आई इंटू सी ज्यादा है देखो वहां से, तो टीएफ क्या हो जाएगा बेटा उसका कम हो जाएगा। तो सबसे ज्यादा आई इंटू सी किसका है, AlCl3 का, तो उसका टीएफ का ऑर्डर बेटा, फ्रीजिंग पॉइंट ऑर्डर में बेटा मुझे था टीएफ AlCl3 का सबसे क्या हो जाएगा कम, क्यों, क्योंकि इसका I into C मैक्सिमम है। अगर इसका I into C मैक्सिमम है तो इसका TF क्या हो जाएगा कम, इससे ज्यादा TF हो जाएगा इसका, और सबसे ज्यादा TF हो जाएगा ग्लूकोज का। तो इसका ऑप्शन कौन सा है, ग्लूकोज ग्रेटर देन KNO3 ग्रेटर देन AlCl3, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 12 चेक करिए, 12, Which of the following will produce maximum depression in freezing point? Maximum depression in freezing point मतलब delta TF maximum चाहिए अपने को। So delta TF maximum कब होगा? जब I into C maximum होगा। तो सबका option का check करते हैं। I into C maximum किसका होगा? 0.1 molar glucose, 0.1 molar glucose। So I का value 1 × 0.1, तो इसका तो 0.1 ही रहेगा। मैं अभी I into C direct निकाल रहा हूँ। दूसरा 0.1 मोलर सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड तो 2 × 0.1, तो इसका आंसर रहेगा 0.2। सी ऑप्शन देखते हैं, 0.1 मोलर बेरियम क्लोराइड, सो बेरियम क्लोराइड मतलब BaCl2, 0.1 × 3, सो 0.3 मोलर। उसके बाद में लास्ट में दिया 0.1 मोलर मैग्नीशियम सल्फेट MgSO4, MgSO4 मतलब दो ही आयंस होंगे, सो 0.1 × 2, तो आंसर हो जाएगा बेटा इसका 0.2। तो सबसे ज्यादा I into C किसका, I into C मैक्सिमम है C ऑप्शन का, सो इसका डेल्टा TF भी क्या हो जाएगा मैक्सिमम। सो आप मुझे बताओ इसका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन C। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं, 13 क्वेश्चन में क्या बोला है, द वेंटॉफ फैक्टर I फॉर डाइल्यूट सॉल्यूशन ऑफ ग्लूकोज, I फॉर ग्लूकोज, सबको पता है ग्लूकोज ना तो एसोसिएट होता है ना डिसोसिएट होता है, सो I का वैल्यू हो जाएगा 1, एकदम सिंपल।
that is option B. Next, the degree of dissociation alpha for the weak electrolyte AXBY is related to the Ventoff factor I by the formula. Amnara formula kya bachcho? Alpha is equals to I minus 1 upon N dash minus 1. But unhone N dash ki jagah pe X aur Y diya hai. तो हमको भी पता ही है बेटा कि n dash is nothing but x plus y होता है ना हमारा formula. देख लो ये रहा dissociation है ना, तो बताओ alpha का formula क्या आ जाएगा, I minus 1 upon x plus y minus 1. So it is option B. ठीक है, question number 15 देखते हैं. Question number 15, if the Ventoff factor for 0.005 molar, so concentration is given 0.005 molar. Ventoff factor मतलब I का वैल्यू दिया है 1.95 और KCl के लिए दिया है. Then the degree of dissociation of KCl is मतलब अल्फा पूछा है I minus 1 upon N dash minus 1. So simple, इसमें concentration का तो कोई लेना देना ही नहीं है. आप मुझे ना KCl will break up into what and what, K plus N, Cl minus, so what is the N dash? N dash is 2. Now, tell me, this is 1.95 minus 1 upon 2 minus 1 is 1. So, this is going to be 0.95. So, degree of dissociation is 0.95 or we can say 95% agar percentage mein diya hota to. So, this is quite simple question. Question is option A. Aise type ke question NEET mein bahut baar puche gaye. Sir, itne simple, aise to question aate hai NEET mein. Question number 16 देखिए, the value of observed and calculated molar mass, observed, MO and MT, MO and MT are 65.4 and 164. ये same question हमने किया था, CaNO3 twice वाला, याद है previous lecture में हम लोग ऐसे सोच रहे थे यार इसका क्या answer है, वहाँ पे बताए, बाद में मैं book में check करके देखा था और बाद में मैंने बताया था it is XY2, तो ये के लिए वो XY2 ही है भी. अगर हम बात करें इसके n dash की, तो बेटा n dash कितना हो जाएगा 3. और उन्होंने क्या पूछा, degree of dissociation ही पूछा होगा. Yes, what is the degree of dissociation of this salt? और हमने previous lecture में solve किया था, इसका alpha का value कितना आया था 75%. अगर आपको solve करना तो आप इस formula से solve भी कर सकते हो. ठीक है, तो इसका हो जाएगा answer option D. Option D. Question number 17 देखते हैं. Question number 17 में क्या पूछा उन्होंने, which of the following compound corresponds to Ventoff factor equal to 2 in dilute solution. मतलब Ventoff factor का value 2 आना चाहिए, I का value क्या होना चाहिए बेटा 2 होना चाहिए. तो मुझे एक बात बता, I का value 2 कब हो सकता है, alpha is equals to I minus 1 upon N dash minus 1. I का value 2 कब हो सकता है, जब alpha का value कितना होगा, alpha का value कितना होगा, I का value अगर 2 होगा तो N dash का value कितना होना चाहिए बच्चों. एक सेकंड, क्वेश्चन में क्या बोला है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग करस्पोंड्स टू वेंटॉफ फैक्टर इक्वल टू 2 इन डाइल्यूट सॉल्यूशन. ओके, समझा, डाइल्यूट सॉल्यूशन मतलब पूरा डिसोसिएट हो जाएगा. तो अगर पूरा डिसोसिएट हो रहा है तो मुझे ना KCl के लिए बेटा n डैश कितना हो जाएगा, n डैश हो जाएगा 2. n डैश अगर 2 है तो i का वैल्यू 2 अपॉन 2, अल्फा का वैल्यू 1 हो जाएगा, परफेक्ट है. तो अगर हम बात करें KCl के लिए, ठीक है ना, KCl के लिए बेटा अल्फा इज इक्वल्स टू i माइनस 1 अपॉन N dash minus 1, बराबर है. तो आप मुझे था बेटा डाइल्यूट सॉल्यूशन है तो वो 100% डिसोसिएट हो जाएगा, ऐसा माना जाएगा. सो I का वैल्यू 2 minus 1 upon N dash minus 1 बोला है, सो आप बता ये 1, सो N dash minus 1 is equals to 1, सो N dash is equals to कितना हो जाएगा 2, और 2 बेटा किसके केस में है, KCl के केस में N dash 2 ये तो है, बाकी किसी के भी केस में बेटा N dash 2 नहीं है. देख लो आप, ऑप्शन बी में बेटा 3 हो जाएगा, सी में भी 3 हो जाएगा, और डी में तो बेटा N dash है ही नहीं बेटा. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं. तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन कौन सा, KCl कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन ए हो जाएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं. इफ अ सॉल्यूट अंडरगोज डाइमराइजेशन एंड ट्राइमराइजेशन, ठीक है ना, अगर वो डाइमर बना रहा है और ट्राइमर बना रहा है, देन द मिनिमम वैल्यू ऑफ वेंटॉफ फैक्टर्स आर, एकदम सिंपल है. अगर वो डाइमर बना रहा है तो एन का वैल्यू 2, और अगर ट्राइमर बना रहा है तो एन का वैल्यू 3 हो जाएगा, है ना, एन का वैल्यू कितना हो जाएगा 3. If this, then the minimum values of Ventoff factor are, Ventoff factor के values क्या हो जाएंगे बेटा, एकदम simple है. अगर वो associate हो रहा है तो ये वाला formula use होगा, alpha is equals to I minus 1 upon 1 upon N dash minus 1,
ठीक है ना। तो हम लोग क्या बना रहे मानेंगे बेटा, अगर वो डायमर हो रहा है तो 100% डायमर ही हो रहा है, तो अल्फा का वैल्यू 1 आई माइनस 1 अपॉन 1 बाई 2 माइनस 1 माइनस हाफ आ जाएगा, माइनस हाफ इधर आएगा, सो माइनस हाफ इज इक्वल टू आई माइनस 1। आई इज इक्वल टू कितना हो जाएगा बेटा, 1 बाई 2, तो ये हो जाएगा 0.5। सो आई का वैल्यू 0.5 मानेंगे। अगर ये वाले प्राइमर बना रहा है तो हम लोग को तो बेटा अज्यूम करना पड़ेगा डिग्री ऑफ एसोसिएशन पूरा एसोसिएट हो रहा है। सो आई माइनस 1 अपॉन 1 बाई 3 माइनस 1, तो माइनस 2 बाई 3 हो जाएगा, माइनस 2 बाई 3 इधर आया इक्वल्स टू आई माइनस 1। आई इज इक्वल्स टू 1 बाई 3, 1 बाई 3 मतलब 0.33। ऐसा कोई ऑप्शन है 0.5 एंड 0.33? यस इट इज ऑप्शन सी। ऑप्शन कौन सा बेटा, सी हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19। अ कंपाउंड एक्स अंडरगोस टेट्रामराइजेशन। टेट्रामराइजेशन मतलब एन का वैल्यू 4 हो जाएगा बेटा। इन अ गिवन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट द वेंटॉ फैक्टर इज, एकदम सिंपल है, वेंटॉ फैक्टर ए, वेंटॉ फैक्टर अल्फा, अल्फा इज इक्वल टू क्या लिखोगे, आई माइनस 1 अपॉन एन डैश 1 अपॉन एन माइनस 1, राइट। अल्फा का वैल्यू 1 ही मानना पड़ेगा बेटा, हम लोग अज्यूम करेंगे कि वो 100% टेट्रामर हो रहा है, तो आई का वैल्यू हमको पता करना है। अपॉन 1 बाई 4 माइनस 1, तो 3 बाई 4 बचा, 3 बाई 4 इधर आएगा, माइनस 3 बाई 4 है, माइनस 3 बाई 4 बचा, माइनस 3 बाई 4 इधर आएगा, उधर से प्लस 1 आएगा, तो 1 बाई 4 बचेगा, तो आई का वैल्यू हो जाएगा बेटा 0.25। आई का वैल्यू 0.25, दैट इज ऑप्शन बी। इज दैट क्लियर, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। सो दिस इज द एंड ऑफ क्वेश्चन नंबर 19। आप इसका फोटो लो, फिर हम लोग आगे के क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। ओके स्टूडेंट, सो लेट्स कंटिन्यू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 में उन्होंने बोला है बेंजोइक एसिड, बेंजोइक एसिड इट्स नथिंग बट कार्बोक्सिलिक एसिड, याद रखना डायमर बनाएगा अगर अगर बेंजीन है तो उन्होंने बोल दिया देखो बेंजोइक एसिड डिसॉल्व्स इन बेंजीन विल शो मॉलिक्यूलर मास ऑफ, तो मुझे बता, अब उन्होंने ब्रैकेट में बोला है अज्यूम कंप्लीट डायमराइजेशन। कंप्लीट डायमराइजेशन मतलब अल्फा का वैल्यू 1 हो जाएगा और एन का वैल्यू 2 हो जाएगा, ठीक है ना। उन्होंने क्या बोला है, विल शो मॉलिक्यूलर मास ऑफ मतलब ऑब्जर्व्ड मॉलिक्यूलर मास, तो आपको ये वाला फॉर्मूला यूज करना है, ठीक है। अल्फा इज इक्वल टू बोलो क्या है, एम टी माइनस एमओ अपॉन एमओ इंटू 1 अपॉन एन माइनस 1, क्लियर। ना ऑब्जर्व तो बेटा हम लोगों को निकालना ही है, थ्योरेटिकली तो बेंजोइक एसिड का मॉलिक्यूलर मास मैं निकाल सकता हूँ। बेंजीन का बच्चों कितना होता है, 78 होता है, बट इधर एक COH जुड़ गया तो 77 माना जाएगा, 77 माना जाएगा, प्लस ये एक H है ना, तो ये 78 हो गया। फिर कार्बन का कितना होता है, 12, और दो ऑक्सीजन का 16 to the 32, तो ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा बच्चों, 12 कैरी 1 10 12 10 11 12, सो 122 इज द थ्योरेटिकल मॉलिक्यूलर मास। तो अल्फा का वैल्यू 1 हमने मान लिया है बेटा, उन्होंने दिया है कंप्लीट डायमराइजेशन। थ्योरेटिकल मोलर मास इज 122 माइनस ऑब्जर्व्ड मॉलिक्यूलर मास हमको निकालना है, ऑब्जर्व्ड मॉलिक्यूलर मास हमको कैलकुलेट करना है, 1 अपॉन 2 माइनस 1, सो 1 अपॉन 2 माइनस 1 इज माइनस हाफ, उधर गया तो माइनस हाफ, सो माइनस हाफ एमओ, क्यों माइनस हाफ एमओ इधर ही से गया ना, इक्वल टू 122 माइनस एमओ, एमओ इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा, सो हाफ एमओ बच गया, ठीक है, इज इक्वल टू 122। सो एमओ ऑब्जर्व मॉलिक्यूलर मास कितना हो जाएगा, 244। कौन सा ऑप्शन है बच्चों, ऑप्शन सी। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 21 देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग 0.1 मोलर एक्वा सॉल्यूशन विल हैव लोएस्ट फ्रीजिंग पॉइंट, TF लोएस्ट फ्रीजिंग पॉइंट, डेल्टा लोएस्ट फ्रीजिंग पॉइंट बोला है बच्चों, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट नहीं बोला है, लोएस्ट फ्रीजिंग पॉइंट मतलब TF बेटा मिनिमम है, सो I into C क्या होना चाहिए, मैक्सिमम, ठीक है ना। तो फर्स्ट वाले की बात करें 0.1 मोलर है तो सबका बेटा कॉन्सेंट्रेशन सेम है, खाली किसके ऊपर डिपेंड करेगा, आई के ऊपर। पोटेशियम सल्फेट मतलब K2SO4 होता है, आई इंटू सी, आई कितना है 3 × 0.1, सो ये 0.3 हो जाएगा। बी ऑप्शन दिया है सोडियम क्लोराइड NaCl, सो 2 × 0.1 0.2 हो जाएगा। यूरिया, यूरिया तो डिसोशिएट या एसोशिएट होता नहीं है तो 0.1 ही रहेगा। ग्लूकोज भी एसोशिएट या डिसोशिएट नहीं होता है,
तो 1 into 0.1 it is going to be 0.1. तो maximum किसका आ रहा है? ये आ रहा है I into C, जिसका maximum उसका freezing point minimum. So minimum freezing point किसका हो जाएगा question number 21 में? We'll have lowest freezing point. तो option कौन सा देगा? Option A. 22. Question number 22. The correct relationship between the boiling point of very dilute solution of AlCl3 same concentration दिया है and CaCl2. बराबर है? AlCl3 का boiling point जो है बेटा वो T1 है और CaCl2 का boiling point जो है वो T2 है बेटा. तो उन्होंने क्या बोला है? किसका boiling point ज़्यादा या कम होगा वो पता करना है. तो मुझे बता बेटा boiling point of the solution मतलब TB हो गया. TB का value ज़्यादा कब होगा? जब I into C इसका ज़्यादा होगा. तो इमेजिन करो दोनों 1 मोलर ही है. तो इसका आई कितना है बेटा? 4 है. तो 4 इंटू 1 मोलर ये 4 हो जाएगा इफेक्टिव मोलारिटी. इसके अंदर आई का वैल्यू कितना है? 3 है. 3 इंटू 1 मोलर इट इज इक्वल टू 3 मोलर. तो किसका बेटा आई इंटू सी ज्यादा है? ये आई इंटू सी ज्यादा किसका है? AlCl3 का. तो इसका बॉइलिंग पॉइंट भी ज्यादा है. तो T1 इज ग्रेटर देन T2. सो T1 इज ग्रेटर देन T2 मतलब ऑप्शन कौन सा? ऑप्शन बी. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23. क्वेश्चन नंबर 23. 0.5 मोलर यूरिया 0.5 मोलर सॉल्यूशन ऑफ यूरिया इज आइसोटोनिक विद. आइसोटोनिक बेटा मतलब ऑस्मोटिक प्रेशर्स आर इक्वल. कब हो सकता है? जब C1 इज इक्वल टू C2. दिस इज रॉन्ग. C1 इज इक्वल टू C2 नहीं, I1 C1 इज इक्वल टू I2 C2 क्योंकि के I का भी रोल आ जाएगा इसमें बेटा. तो आपको ये ढूंढना है किसका I1 C1 और I2 C2 इक्वल है बेटा. ठीक है. सो अभी जस्ट इमेजिन करें अगर हम बात करें 0.5 मोलर यूरिया सॉल्यूशन है ना, तो इसका I1 C1 क्या है बेटा? I1 C1 क्या है बच्चों? इसका I तो वैल्यू 1 है इनटू 0.5. सो ये 0.5 मोलर ही हो जाएगा रादर, है ना. तो अभी आपको ढूंढना है किसका 0.5 मोलर आ रहा है बस सर, है ना. 0. सब है, सब टिक कर लो एग्जाम में. नहीं ऐसा करना होता बेटा. 0.5 मोलर NaCl दिया है तो इसका I1 C1 क्या हो जाएगा बताओ? I into C क्या हो जाएगा? 2 into 0.5. ये तो देखो 1 मोलार हो रहा है. तो 1 मोलार नहीं चाहिए अपने को, 0.5 मोलार चाहिए. तो जिसका 0.5 मोलार आएगा वो आंसर. 0.5 मोलार सुक्रोज. क्यों? क्योंकि ये तो बेटा नॉन इलेक्ट्रोलाइट. सो 1 into 0.5 0.5. सो दिस इज द करेक्ट ऑप्शन 101%. 0.5 मोलार BaCl2. 0.5 मोलार BaCl2 से काम होने वाला नहीं है क्योंकि ये डिसोसिएट होगा 0.5, तो 1.5 मोलर हो जाएगा. नेक्स्ट 0.5 मोलर सॉल्यूशन ऑफ बेंजोइक एसिड इन बेंजीन. तो ये तो बेटा डिसोसिएट हो रहा है, सॉरी एसोसिएट हो रहा है. ये कौन है? एसिडिक एसिड है ना, बेंजोइक एसिड है, बेंजोइक एसिड है. तो बेटा इसका आई का वैल्यू कितना हो जाएगा बेटा? ये तो डिसोसिएट नहीं एसोसिएट होता है, तो ये तो बेटा आई का वैल्यू हाफ हो जाएगा. तो 0.25 हो जाएगा बेटा, 0.25 हो जाएगा. अभी देखो तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा बेटा इसका आंसर. ठीक है. तो ये क्वेश्चन हमारे लिए बहुत आसान था. जस्ट 1 सेकंड स्टूडेंट्स. ओके सॉरी स्टूडेंट्स, अगर हम लोग इसी क्वेश्चन को थोड़ा कंटिन्यू करें, बार बार स्क्रीन देखना पड़ता है, बार बार देखिए तो पूरा मेहनत आया था, कभी कभी स्क्रीन थोड़ा हिल जाता है. अगर हम बात करें बेटा इसी क्वेश्चन के बारे में, अगर मैं आपको इसको थोड़ा ट्विस्ट करके पूछ लूं बेटा, आपको ये पूछ लूं कि बताओ इसमें से कौन सा वाला सॉल्यूशन इसके रिस्पेक्ट में हाइपरटोनिक है. आइसोटोनिक का पूछा ना, हाइपरटोनिक. हाइपरटोनिक मतलब उसका कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होना चाहिए, फर्स्ट वाले का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा. तो अगर मैं देखूं तो बेटा ये 0.5 मोलर है, तो ये वाला सॉल्यूशन 1 मोलर है, मतलब ज्यादा है ना कॉन्सेंट्रेशन. तो ये वाला सॉल्यूशन इसके रिस्पेक्ट में हाइपरटोनिक हो जाएगा, ये वाला. ठीक है, ये दोनों तो सेम है, तो ये आइसोटोनिक. ये वाला भी इससे क्या है? ज्यादा है. तो ये वाला सॉल्यूशन इसके रिस्पेक्ट में क्या हो जाएगा? हाइपरटोनिक. ये वाला हाइपरटोनिक है, हाइपरटोनिक. अभी आप देखो कितना इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है. ये वाला सॉल्यूशन इसके कॉन्सेंट्रेशन से कम है ना, तो ये क्या हो जाएगा बेटा? हाइपोटोनिक विद रिस्पेक्ट टू 0.5 मोलर यूरिया सॉल्यूशन. कितने प्यारे प्यारे क्वेश्चन बन सकते हैं. ये सब क्वेश्चन बेटा कैसे होता है, ये एप्लीकेशन बेस्ड है. आप जितना ज्यादा इसको सॉल्व करोगे, जितना ज्यादा आप इसको टाइम दोगे बेटा, उतना ज्यादा आपको ये और आपको खुद को भी समझ में आएगा. अभी यही क्वेश्चन में मैं आपको बोलूं कि अगर मैं इस सॉल्यूशन को इसके साथ दो कंपार्टमेंट में रख दूं, तो वाटर का फ्लो कहां से कहां होगा बेटा? यूरिया से किसकी तरफ होगा? NaCl की तरफ होगा, क्योंकि इसका कॉन्सेंट्रेशन कम है. तो डाइल्यूट सॉल्यूशन से वाटर, व्हाट इज ऑस्मोसिस, बहुत सारे स्टूडेंट्स को
जो बायो स्टूडेंट्स रहते हैं उनको ऑस्मोसिस का डेफिनेशन में भी गड़बड़े बेटा, ठीक है ना। आपको बायो में सिखाया जाता है ऑस्मोसिस, ठीक है ना, क्या बोला जाता है वो भी बता देता हूँ। ऑस्मोसिस आपको डेफिनेशन बायो में ऐसा बोला जाता है, बहुत सारे लोग हंस रहे होंगे शायद से कि सर बायो का क्यों बता रहे, मैं आपको बता रहा हूँ जो कि आप लोग को समझना है और इसको याद रखना है, ठीक है। ऑस्मोसिस बायो में आपको बताया जाता है, ऑस्मोसिस का डेफिनेशन, द स्पॉन्टेनियस फ्लो ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल, द स्पॉन्टेनियस फ्लो ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल फ्रॉम अ रीजन ऑफ हाई कॉन्सेंट्रेशन टू लो कॉन्सेंट्रेशन। सर लेकिन हमने तो पढ़ा था लो टू हाई, तो बेटा मैं आपको पहले बोले था ना, जब आप बायो टीचर को पूछना, जब वो लोग बोलते ना हाई कॉन्सेंट्रेशन टू लो कॉन्सेंट्रेशन, वो स्टेटमेंट वो लोग अधूरा छोड़ रहे। एक्चुअल में स्टेटमेंट उनको भी आप पूछोगे ना, मैंने बहुत सारे बायो टीचर्स से बात किया, मतलब सर आप लोग ऐसा बोलते हो ये तो डेफिनेशन, और हम लोग जो पढ़ाते हैं वो डेफिनेशन अलग है। तो वो लोग एक बोलते हैं सर हम लोग जो डेफिनेशन बोलते हैं उसमें ऐसा है कंटिन्यूटी में, ना लिसन ना, द स्पॉन्टेनियस फ्लो ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल फ्रॉम अ रीजन ऑफ हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्वेंट रीजन, हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्वेंट। ना स्टूडेंट्स व्हेन आई से हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्वेंट, इसका मतलब वहां पे सॉल्यूट कम है। केमिस्ट्री में बेटा सॉल्यूशन का कॉन्सेंट्रेशन विद रिस्पेक्ट टू सॉल्यूट होता है ना, तो इस वजह से याद रखना हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्वेंट इज नथिंग बट लो डाइल्यूट सॉल्यूशन ही हो गया ना बेटा, बताओ बात तो वही हो गई। तो एक्चुअल में जो प्रॉपर डेफिनेशन है वो है लो कॉन्सेंट्रेशन टू हाई कॉन्सेंट्रेशन। बहुत सारे स्टूडेंट्स को डाइजेस्ट नहीं होता है कि सर लो से हाई कैसे हो सकता है, लो से हाई ही होता है बेटा, क्योंकि मैंने आपको विथ रीजन समझाया था कैसे वेपर प्रेशर का जो प्रेशर होता है उस वजह से सॉल्वेंट फ्लो होता है। तो अगर हम बात करें तो यहां पे वाटर का फ्लो कहां से होगा, यूरिया से एनएसीएल की तरफ, यहां पे बेटा दोनों का इक्वल हो जाएगा, यहां पे भी यूरिया से एनएसीएल, और इस केस में क्या होगा, बेंजोइक एसिड से, बेंजोइक एसिड वाला कंपार्टमेंट से वाटर का फ्लो होगा किसकी तरफ, मतलब बेंजीन का फ्लो होगा किसकी तरफ बेटा, यूरिया की तरफ। पता चला क्यों, क्योंकि लो कॉन्सेंट्रेटेड है और ये हाई कॉन्सेंट्रेटेड है। तो इतने प्यारे प्यारे क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं। 24th क्वेश्चन, विच सॉल्ट में शो द सेम वैल्यू ऑफ एंटो फैक्टर एज दैट ऑफ K4 एफिशिएंसीज। अभी इसमें थोड़ा सा करेक्शन है बेटा, K4 एफिशिएंसीज में जो एफिशिएंसीज वाला पार्ट है उसको स्क्वायर ब्रैकेट में डालना, उसको स्क्वायर ब्रैकेट में डालना। तो मुझे एक बात बताओ, इन वेरी डाइल्यूट स्टेट, वेरी डाइल्यूट स्टेट मतलब हम लोग बेटा मान के चलेंगे कि वो 100% डिसोशिएट हो रहा है, तो इसका जो एन डैश होगा वही आई हो जाएगा, और आई का वैल्यू कितना हो जाएगा बेटा, 5 हो जाएगा। तो आपको ढूंढना पड़ेगा किसके अंदर बेटा 5 आयंस बनेंगे बेटा। अगर मैं फर्स्ट वाले की बात करूं Al2 SO4 थ्राइस, तो बेटा इसका एन डैश कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। दूसरा NaCl की बात करें तो इसका एन डैश हो जाएगा 2। तीसरा Al3 AlNO3 ट्वाइस, AlNO3 ट्वाइस थ्राइस, सॉरी AlNO3 थ्राइस, इसका एन डैश हो जाएगा 4। एंड लास्ट ऑप्शन ये है Na2SO4, इसका एन डैश हो जाएगा 3, ठीक है। तो यही आंसर राइट है, ऑप्शन ए, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। दिस इज क्वेश्चन नंबर 24। 25 देखते हैं, 25th क्वेश्चन में विच सोल्यूशन हैज मिनिमम फ्रीजिंग पॉइंट, ठीक है ना। फ्रीजिंग पॉइंट मतलब टीएफ का वैल्यू मिनिमम, मतलब आई इंटू सी का वैल्यू मैक्सिमम। तो आई इंटू सी का वैल्यू चेक करते हैं, किसका आई इंटू सी मैक्सिमम है, 25th क्वेश्चन है ना। तो फर्स्ट वाला 0.01 बोला एनएसीएल है, तो एनएसीएल का आई का वैल्यू 2 होता है, 0.01, सो इसका हो जाएगा 0.02 मोलार, इफेक्टिव मोलारिटी। दूसरा ऑप्शन दिया है 0.0005 इथेनॉल, इथेनॉल तो बेटा डिसोशिएट होता नहीं है, 0.005, तो ये तो बेटा बहुत ज्यादा कम है, इसका तो नहीं हो सकता। सी ऑप्शन 0.005 मोलार MgI2, MgI2 मतलब Mg के एक और दो आयोडीन के, तो बेटा 3 हो जाएगा 0.005, तो ये जाएगा 0.015। तो अभी भी बेटा मेरे लिए तो ऑप्शन ए ही राइट है। लास्ट वाला ऑप्शन देखो 0.005 मोलार MgSO4, सो ये भी 2 × 0.005, तो आंसर कितना आ जाएगा 0.01 मोलार। तो आंसर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन ऑप्शन ए। क्यों, क्योंकि इसका I × C मैक्सिमम है, I × C मैक्सिमम जिसका रहेगा उसका फ्रीजिंग पॉइंट मिनिमम रहेगा। बच्चों मैंने बहुत बार देखा टीचर्स इसको स्टेटमेंट के फॉर्म में समझाते हैं, यार इसका फ्रीजिंग पॉइंट कम है तो इसका ये कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा, मैंने देखा है इवन प्रैक्टिकली मैंने ऑब्जर्व किया, किसी को समझता नहीं है, समझ भी गया तो 4-5 दिन के बाद भूल जाते हैं। बट अगर आप लोगों को ये चीज पता है तो आप हर चीज बेटा सॉल्व करने के टाइम ऐसे लिखोगे आपको डाउट आएगा ही नहीं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 26 क्वेश्चन, इन विच ऑफ द फॉलोइंग द वेंटो फैक्टर इज इक्वल टू 1।
इक्वल टू वन कब हो सकता है, जब नाइदर डिसोसिएशन, नाइदर डिसोसिएशन नॉर एसोसिएशन, ना तो एसोसिएशन होगा ना ही डिसोसिएशन होगा। तो इसमें बेटा आंसर होता है NaCl तो डिसोसिएट होता है, KNO3 भी डिसोसिएट होता है, यूरिया डिसोसिएट नहीं होता है। तो ऑप्शन कौन सा आ जाएगा, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 27, वेंटो फैक्टर आई फॉर डाइल्यूट सॉल्यूशन ऑफ एक्वस सॉल्यूशन ऑफ ग्लूकोज, तो आई क्या वैल्यू बेटा 1 होगा ग्लूकोज के लिए, बिकॉज ग्लूकोज नाइदर अंडरगो डिसोसिएशन और एसोसिएशन, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 28, वेंटो फैक्टर आई, आई का वैल्यू क्या होता है बच्चों, आई इज लेस देन 1 इन केस ऑफ डिसोसिएशन, नहीं डिसोसिएशन के केस में तो मोर देन 1 होता है, इज मोर देन 1 इन केस ऑफ एसोसिएशन, नहीं एसोसिएशन के केस में लेस देन 1 होता है। इज द नॉर्मल मॉलिक्यूलर मास अपॉन ऑब्जर्व मॉलिक्यूलर मास, यस आई इज इक्वल टू एम टी थ्योरेटिकल अपॉन ऑब्जर्व, ऑब्जर्व मॉलिक्यूल नहीं ऑप्शन, क्योंकि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है, एबनॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मोलर मास, तो आई का वैल्यू क्या था ऑब्जर्व अपॉन थ्योरेटिकल होता है ना कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी के केस में, तो मॉलिक्यूलर मास में उल्टा हो जाता है, मैंने प्रीवियस लेक्चर में सिखाया था, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। 29, इन केस ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट व्हिच डिसोसिएट, व्हिच डिसोसिएट, डिसोसिएट होगा तो आई का वैल्यू इज ग्रेटर देन 1, सो इट इज वेंटो फैक्टर इज ग्रेटर देन यूनिटी, मतलब ऑप्शन ए हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30, which one of the following salt would have the same value of Wentorf factor as that of K3FeCN6, K3FeCN6 ye wala same question ho gaya, ye dekho isi type ka question hai, K3FeCN6, to aap mujhe bata beta iske paas mein total number of ions kitne hain, n dash kitna ho gaya 4, first wale mein n dash ho jayega 2 kyunki NaCl mein 2 hota hai, dusre case mein Na2SO4 mein beta n dash hai 3, teesre case mein n dash hai 5 और चौथे केस में होता है एन डैश है, तो इसका आंसर जाएगा ऑप्शन, ठीक है ना स्टूडेंट्स। ये हो गया आपका पूरा का पूरा सॉल्यूशन एंड क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज लेक्चर 1 पार्ट 1 क्लास वर्क। नेक्स्ट लेक्चर, लेक्चर नंबर 20 में दैट वुड बी द लास्ट लेक्चर ऑफ दिस चैप्टर, ठीक है। लेक्चर नंबर 20 में हम लोग पार्ट 2 के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, उसका लेवल थोड़ा सा हल्का सा हाई रहेगा, हल्का सा है मतलब अगर आपने को ये चीजें पता है तो बेटा हमारे लिए आसान हो जाएगा, हाँ थोड़ा सा कैलकुलेशन अपने को करना पड़ सकता है, और वो सब अच्छे अच्छे क्वेश्चन मैंने खुद सिलेक्ट किए हुए हैं, मैंने सोचा था वो क्वेश्चन हम लोग क्लास में सॉल्व करेंगे। तो नेक्स्ट लेक्चर में स्टार्टिंग के फर्स्ट हाफ में हम लोग पूरे के पूरे वो MCQ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे पार्ट 2 के, और फिर हम लोग बेटा इस चैप्टर में जितने भी मैंने आपको कंसेप्ट सिखाए फॉर्मूला सिखाए वो सब एक पेपर पे मैं तो आपको बोर्ड पे लिख के दूंगा विद प्रेजेंटेशन, आपको व्हाइट चार्ट पेपर के ऊपर उसको फॉर्मूलाज लिखना है और आपके बुक में उसको फोल्ड करके स्टिक कर देना है, ताकि जब आप फॉर्मूलाज रिवाइज करोगे तो आपके सामने एक ही पेपर के ऊपर पूरे चैप्टर के फॉर्मूलाज लिखे होने चाहिए, ठीक है। सो दिस इज द बेस्ट ऑफ सॉल्यूशन एंड क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी फ्रॉम माय साइड। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग और थोड़े से अच्छे लेवल के MCQ क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, बट अगेन आई एम सेइंग स्टूडेंट्स आपको सब MCQ क्वेश्चन ईजी लगेंगे अगर आपको सिर्फ ये दो चीजें पता है, तो ये आर्पिट्रिक बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये सब कहीं लिखे हुए नहीं बेटा, ये सब मैंने अपनी मेहनत से बनाए हुए हैं। आपको लगता होगा राम सर कितना इजीली आपके चीजें बता देते बेटा, बट अगर आप बिहाइंड द सीन की बात करोगे बेटा तो मैंने बहुत मेहनत की है, मेरे इवन कंटेंट के ऊपर, मैंने खुद के टीचिंग के ऊपर भी बहुत मेहनत की है। मैंने हमेशा ये सोचा है कि जो मैंने स्टूडेंट के लाइफ में फील किया है, कैसे डिफिकल्ट चीजें लगती है और कैसे समझाया जाता है, कैसा एक फील होता है स्टूडेंट को जब उसको नहीं समझ में आता, ये सब चीजें मैं फील कर चुका हूँ, इसलिए मैं बेटा हमेशा चीजों को सिंप्लीफाई करने के लिए ट्राई करता हूँ। सो स्टूडेंट्स विल मीट इन द नेक्स्ट लेक्चर विद अ डिटेल डिस्कशन अबाउट द सेकेंड पार्ट ऑफ लेक्चर नंबर 19, दैट इज क्लास वर्क ओनली, एंड लास्ट में हम लोग पूरे के पूरे चैप्टर्स के फॉर्मूलाज लिखेंगे। सो विल मीट इन द नेक्स्ट लेक्चर, टिल देन थैंक यू स्टूडेंट्स, टेक केयर।